बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, इमरान ख़ान की सज़ा मुअत्तल हुई और इमरान ख़ान को बेल पर रिहा करने का हुक्म हुआ। इस फैसले में बहुत अहम कोई बात लिखी है जो कि इमरान ख़ान साहब के लिए बुरी ख़बर है। आज साइफर केस का 14 रोज़ा मजीद रिमांड मिल गया, यानी कि 13 सितंबर तक इमरान ख़ान अब फिर जेल में रहेंगे, अटक जेल में। इस पर भी बात करनी है। बिजली की के लिए रिलीफ और उस रिलीफ के लिए आईएमएफ की इजाज़त, इस पर भी बात करनी है। गरीब को रिलीफ मिलना है और आईएमएफ की इजाज़त, और नादरा के चेयरमैन से मुतल्लिक एक बहुत कोई अहम फ़ैसला हुआ है और मुतनाज़ फ़ैसला हुआ है। एक अहम शख्सियत ने, पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत, हो सकता है अहम तरीन शख्सियत, उसने तनख्वाह में इजाफा मांग लिया है। इस पर भी बात करनी है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिए। हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो व्हील चेयर पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपके तआवुन से चल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस है। आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने वालदैन के लिए, मरहूमीन के लिए जनाब एक वाटर प्रोजेक्ट लगवाइए और प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। यह नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आ जाइए भाई। फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल। अब मैंने वीडियो की, मेरी वीडियो गवाह है, आपने देखी, आप दोबारा भी देख लें। जो मेरे कांस्टेंट व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ की गवाही देंगे। मैंने कहा था, दो बातें की थीं। मैंने कहा कि एक तो ये बड़ी हिकमत अमली के तहत कि मामला यहाँ हाई कोर्ट तक रखा गया है, बंदियाल साहब के हाथ में जाने नहीं दिया गया, क्योंकि अगर बंदियाल साहब के हाथ में जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कुछ भी कर ले, ठीक है ना। तो अब बंदियाल साहब के हाथ में लंबे अरसे तक जाएगा भी नहीं, और हो सकता है वो तब तक रिटायर भी हो जाए, अब जा नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि अब बेल तो हो गई उस केस में, अब उसके बाद वो अपील होनी है और उस पर महीना दो महीने लग जाने हैं और बंदियाल साहब रिटायर हो जाएंगे। दूसरा, इस फैसले में लिखा है, इस फैसले में ये नहीं लिखा, जैसे पीटीआई के वकील कह रहे हैं ना, पीटीआई के वकला कह रहे हैं, बाकी भी कुछ लीगल फ्रेटर्निटी, बाकी भी लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि देखो जी, इमरान खान को दिफा के लिए अपने विटनेसेस पेश करने का हक नहीं दिया गया, कुछ जल्दबाजी की गई, ये किया गया, वो किया गया, तो इस वजह से इसको मुअत्तल हो जाना चाहिए। लेकिन मुअत्तल जिस वजह से हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि शॉर्ट टर्म सज़ा है, ये 3 साल की सज़ा है और 1 लाख जुर्माना है, शॉर्ट टर्म की सज़ा है, इस वजह से सज़ा मुअत्तली हो गई और इस वजह से इमरान खान की ज़मानत हो गई। अच्छा, मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि जनाब नकवी साहब देखें, इमरान खान ने ये चोरी की है, ये किया है, वो किया है, वगैरह वगैरह, तो उनको ये 3 साल की बस सज़ा मिली है। भाई, इलेक्शन एक्ट के जिस शिक के तहत इमरान खान को सज़ा मिली है ना, गालिबन 217 या जो है उसमें है ही मैक्सिमम 3 साल। जो मैक्सिमम सज़ा है ना उस शिक के तहत, वो 3 साल है, और जज हुमायूं दिलावर ने मैक्सिमम सज़ा दिया इमरान खान को और 1 लाख का जुर्माना भी हुआ है, ठीक है ना। लेकिन 3 साल बजात खुद शॉर्ट टर्म में आती है, बल्कि सिंध हाई कोर्ट के कुछ फैसले हैं जो कि कल के फैसले में उनका हवाला भी दिया गया, 5 साल की सज़ा भी शॉर्ट टर्म सज़ा में आती है। तो जो शॉर्ट टर्म सज़ा होती है वहाँ पे आम तौर पे महीने, 2 महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिनों में वो बेल हो जाती है, सज़ा मुअत्तल हो जाती है। तो इसी शॉर्ट टर्म को रख के सामने सज़ा मुअत्तल की गई है। जज हुमायूं दिलावर के फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कीड़े नहीं निकाले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि चूँकि जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को अपने विटनेसेस पेश नहीं करने दिए, अपने गवाह पेश नहीं करने दिए, दिफा का हक नहीं दिया, ये जल्दबाजी की, ये फलां किया, इस वजह से इस सज़ा को मुअत्तल किया जाता है। अगर ये कहते तो फिर कल को जब अपील आ रही है, अपील में इमरान खान के वकील कहते कि सर देखें, आपने तो ख़ुद
उस मुअत्तली के फैसले में भी यही लिखा था कि हुमायूं दिलावर ने गलती की है और हुमायूं दिलावर ने दिफा का हक नहीं दिया और ये तो हमारा हमारी पोजीशन मजबूत हो गई है, हम आप ही के फैसले से पॉइंट्स निकाल के ये आपके सामने रख रहे हैं, देखें जी हमारे साथ कितनी ज़्यादती हो गई है। लेकिन अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सज़ा को इसलिए मुअत्तल किया है कि ये शॉर्ट टर्म सज़ा है। अच्छा, बाज़ों का अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अब जब इतना ही करना था तो पहले दिन ही हो सकता था, पाँच मिनट में भी, फिर इतना सारा दिन खींचने की क्या ज़रूरत थी। सर यही होता है ना, नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के बारे में भी आपको पता है वो कितना किस हद तक गई, ठीक हो गया ना, वो सज़ा कहाँ तक गई थी। और तो और कैप्टन सफदर बेचारे जिसका एक साल की सज़ा हुई थी उसको भी इतना लंबा खींच दिया गया था। तो ये इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। खान साहब ने ये कहा था, मैं बड़े घर के कंधों पर चढ़ के मैं आया हूँ तो अल्लाह करे मैं बड़े घर को भी लाते मारना शुरू कर दूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर ऐसा नहीं है, अब आपने देख लिया ना, मैंने कहा था यूथियों को कि भाई यूथिये मैं आपको चूना नहीं लगाऊंगा, आपको बहुत सारे लोग चूना लगाने के लिए हैं और आज भी वो लगा रहे हैं अपने व्यूज़ लेने के लिए। खान साहब सियासी तौर पर दफन हो चुके हैं, अब खान साहब नहीं आएंगे सियासी तौर पर, कम अज़ कम मैं शेख रशीद खान साहब के बकौल अल मारूफ शीदा टली उसकी तरह मैं पेशन गोई करने का तो कायल नहीं हूँ कि जी मैं कहूँ कि ताहयात उन पे कोई इस तरह की पाबंदी लगेंगे। पाकिस्तान में तो आपको पता है क्या होता है, 12 घंटे में सिचुएशन तब्दील हो जाती है। लेकिन कम अज़ कम इस हद तक मैं आपको बता दूँ कि अभी जो कराइन बता रहे हैं, जो ज़मीनी हकायक बता रहे हैं, खान साहब ये अगले इलेक्शन के लिए तो खान साहब का सियासी तौर पर नाम व निशान भी नहीं हो, उसके बाद अल्लाह जाने क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये फैसले में लिखा है और ये फैसले में बुरी तरीन खबर है। साइफर केस में जो इमरान खान, अब यूथियों के रसगुल्ले, मेरे दोस्तों के तहरीक इंसाफ के दोस्तों के रसगुल्ले यहाँ हलक में फंस गए हैं, मिठाइयाँ वापस हो गई हैं कि खान साहब जेल से बाहर नहीं आ सके। क्या वजह? वजह ये है जनाब कि इसमें तो अभी आज उनके मचल के वहाँ जेल पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले वो एक और केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। कल जज अबुल हसनात मोहम्मद जुलकरनैन, ये जो एंटी टेररिज्म के जज हैं इस्लामाबाद के, आज वो साइफर के उन्होंने 30 अगस्त तक इमरान खान को गिरफ्तार करके वहाँ जुडिशल रिमांड पर भेज दिया था जेल, अटक जेल, और वो ऑलरेडी भी जेल में। FIA ने कहा कि सर मुलजिम ऑलरेडी जेल में है क्योंकि वो एक और केस यानी तोशाखाना में मुजरिम है, इस वजह से वो जेल में है। तो उनका रिमांड उनको 30 अगस्त तक मिल गया था। आज इमरान खान को उनकी अदालत में नहीं लाया गया, गो कि वो कला चीखते रहे, अदालत में नहीं लाया गया, वहीं पे जज गए अबुल हसनात मोहम्मद जुलकरनैन साहब जो एंटी टेररिज्म के जज हैं, वो वहाँ पे जेल में गए, जेल में ही अदालत लगी, 14 रोज़ा मजीद रिमांड हो गया, यानी 13 सितंबर तक इमरान नियाजी फिर अटक जेल में। तो जो यूथिये कहते थे भाई इमरान नियाजी हमारी रेड लाइन है, वो यूथिये के कल मैं हैरान हूँ जेल में टोटल 9 यूथिये पहुँचे, 9, ठीक है ना, उन 9 को गिरफ्तार कर लिया गया। पिंकी पीरनी और उनकी बहनें पहुँची तो उनको मुलाकात करवाई गई, ठीक है ना, घंटा एक मुलाकात की है पिंकी पीरनी ने बुशरा बीबी साहबा ने। तो अब उसके बाद जो है ना बाकी वो यूथिये जो 9 पहुँचे उनको वहाँ, टोटल 9 यूथिये वहाँ पे अटक जेल पहुँचे। ये खान साहब की ये जो कहते थे खान साहब हमारी रेड लाइन है, मैंने आपको बताया ना कि रेड लाइन कोई नहीं होता। यहाँ पर खान साहब ने जो भांड मारे हैं, जो सफ़ीर, जो मुशीर, जो मशवरा देने वाले, जो सहूलतकार, जो अम्पायर, अब सारे साइड लाइन हो गए हैं, सारे निकल गए हैं, खान साहब बैठे हैं अटक जेल में। तो उस वक्त कहते थे खान साहब आपका पुठे मशवरे दे रहे हैं, आप इनके शाह महमूद कुरैशी ने खुद कहा वहाँ पे जाके, ज़राए ने बताया कि ये जो आपको मशवरे दे रहे हैं ये आपका साथ नहीं देंगे, ये इनका कोई बात नहीं चलेगा। खुद परवेज़ खटक साहब ने तो ऑन द रिकॉर्ड कह दिया, बाकी लोगों ने भी सब ने कहा है कि ये मशवरे देने वालों पे ना चलें, मशवरे देने वाले साइड पे चले जाएंगे आप फंस जाएंगे, वही हुआ है। और वो ऐसे फंसे हैं कि अब वो तकरीबन 10 महीने साल तक तो खान साहब, इलेक्शन तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खान साहब बाहर आएँ। तो ये अब 14 रोज़ा रिमांड 13 सितम्बर तक, 13 सितम्बर के 2 सितम्बर को गो के एप्लीकेशन बेल की लगी है, बहुत ही मुश्किल नामुमकिन मुझे लग रहा है कि ये बेल हो जाए। तो साइफर में सज़ा ज़्यादा है, साइफर में 3 साल नहीं है,
ये साइफर एक आएगी तो फिर उसके बाद है एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, तो फिर उसके बाद अलकादिर आ जाएगा, अलकादिर अभी जो है ना, तो फिर उसके बाद या उससे पहले वो 9 मई वाला आ जाएगा। तो ये केस दर केस खान साहब का आप पीछा करेंगे, इतना वो नहीं है। बिजली की किस्तें, मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं, लतीफ़ा सुना के फिर उसके बाद मैं दो और ख़बरें देने लगा हूँ। लतीफ़ा सुनाऊं आपको, लतीफ़ा ये है कि कल इजलास हुआ, आज फिर हो रहा है, परसों भी इजलास हुआ, मैं बताया गया जिनके 400 यूनिट्स हैं ना, 400 यूनिट्स तक उनको रिलीफ ये दिया गया या कहा कि ये हम रिलीफ दे रहे हैं कि उनकी अगले 6 महीनों तक किस्तें कर देंगे आसान अकसात। लेकिन इन आसान अकसात के लिए भी IMF को दरख्वास्त करेंगे, अगर IMF ने इजाज़त दी तो फिर हम अकसात करेंगे, और अगर IMF ने इजाज़त न दी तो फिर हम किस्तें नहीं कर सकते। अब आप अंदाज़ा करें, एक तरफ ये मामला है कि अगर IMF इजाज़त दे तो फिर हम गरीब की किस्तें कर देंगे, बिल में माफ़ नहीं होंगी भाई, अगर किस्तों से क्या रिलीफ होगा, ये बिल आ रहा है अगले महीने दूसरा आ जाएगा, उससे अगले महीने तीसरा आ जाएगा, तो 6 महीने तक किस्तें होंगी, तो मेरा ख्याल है कि किस्त भी 30-30 हज़ार की जाएगी, जो किस्तें जो गरीब की, और वो भी अगर IMF ने इजाज़त दी, उनसे इजाज़त मांगनी है उनसे भीख, जब खुद कुछ करना हो तो फिर ये फैसला भी हो जाता है कि चेयरमैन नादरा के लिए अब हाजिर सर्विस फौजी भी लगाया जाएगा, ये खुद से फैसला कर लिया गया चेयरमैन नादरा के लिए। आप देखेंगे चेयरमैन नादरा हो सकता है मुस्तकबिल करीब में को मेजर जनरल साहब बैठे हों, को ब्रिगेडियर साहब बैठे हों, को लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठे हों चेयरमैन नादरा के लिए, ठीक। ये इस हकूमत ने फैसला किया है, ये हकूमत के पास ना तो अख्तियार था चेयरमैन नादरा के लिए ये तब्दीली करने का, इस कैबिनेट के पास ना अख्तियार था और ना ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त ली है, ये हमारे दोस्त एजाज सैयद की स्टोरी है, ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ली है और ना ही उनके पास अख्तियार था, लेकिन उन्होंने फिर भी ये फैसला कर लिया है। ये पाकिस्तान है भाई, जिधर मर्जी आए मोम की नाक वाली बात है कि यहाँ पे आइन और कानून मोम की नाक है, उसको मरोड़ के चाहे आप माथे पे लगा दें या चाहे आप इधर लगा दें, जिधर मर्जी आए लगाते जाएं। आ जाए एक अहम शख्सियत ने, बल्कि मैं कहूँगा अहम तरीन शख्सियत ने, हेड ऑफ द स्टेट, रियासत के हेड ने, RF अलवी साहब ने, सदर ममलिकत ने कहा है मेरी तनख्वाह बढ़ाओ भाई, उनकी ऑलरेडी जो तनख्वाह चल रही है ना। अच्छा फिर मज़े की बात यह है, सदर साहब कहते हैं मेरी दो दफ़ा तनख्वाह बढ़ाओ, दो दफ़ा तनख्वाह बढ़ाएं मेरी, ये उन्होंने डिमांड कर दी है सदर साहब ने कि मेरी दो दफ़ा तनख्वाह बढ़ाएं। सदर साहब की जो मौजूदा तनख्वाह है वो है 8,46,550 रुपये। अब आप कानों को हाथ लगाएंगे, ये तो सिर्फ तनख्वाह है ना, बाकी रहना खाना पीना बिजली के बिल यूटिलिटी ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ एवरीथिंग इज़ फ्री, फिर सिर्फ तनख्वाह जो है वो 8,46,550 है। वो कहते हैं मेरी दो मराहल में इजाफ़ा किया जाए, एक वो मांग रहे हैं इजाफ़ा जुलाई 2021 से, और जो वो इजाफ़ा मांग रहे हैं अगर वो इजाफ़ा होता है तो फिर वो तनख्वाह 10,24,325 हो जाएगी, दूसरा इजाफ़ा वो मांग रहे हैं जुलाई 2023 से, उनकी तनख्वाह वो उस अगर वो बढ़ती है जुलाई 2023 से तो उनकी तनख्वाह हो जाएगी 12,29,190 रुपये। आप माशाल्लाह कहें या इन्ना लिल्लाह कहें, जैसे सदर साहब ने को महाज खोला हो, दिल्ली का नया वो जो है ना लाल किला फतह करके आए हों, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, और वो भी एक नहीं दो दो, ठीक है ना, एक टिकट में दो दो मज़े, एक नहीं दो मराहल में बढ़ाएं, एक बढ़ाएं आप जुलाई 8,00,000 साढ़े 8 लाख अभी है, अगर जुलाई 2021 से तो वो कहते हैं जनाब 10 लाख समथिंग 10.5 लाख हो जाएगी, और अगर वो जुलाई 2023 से तो वो भाई मेरी तनख्वाह हो जाएगी 12,29,000 समथिंग 190 रुपये, ठीक है ना। पाकिस्तान को किस तरीके से लूटा जा रहा है, इस प्यासी आवाम को, जो आवाम जिसको आटा नहीं मिल रहा, जिसको चीनी नहीं मिल रही, जो बिजली के बिल देख के खुदकुशियां कर रही है आवाम,
जो आवाम कर रहे हैं खुदकुशियाँ और जो आटे को तरस रहे हैं और जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, जिनकी महंगाई जिनको मार रही है, उनके सदर साहब कहते हैं मेरी 8 लाख 8.5 लाख तनख्वाह थोड़ी है, इसको 12.5 लाख तक कर दिया जाए। ठीक है ना, आप किस किस चीज़ को रोएंगे? इसी चीज़ पे हम बात करते हैं, हमें धमकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। कल मैंने ट्वीट में कहा वल्ला मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं टाइम दिखा सकता हूँ। कल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वीडियो ठीक हो गया ना, उसको रोक के मैंने, मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई और फिर अननोन नंबर से धमकियाँ आईं। गरीब के लिए आप आवाज़, मैंने कहा भाई मैं गरीब के लिए तो आवाज़ उठाता रहूँगा, ठीक हो गया ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने गरीब के लिए आवाज़ भी उठानी है, मैं इस पर कायम हूँ। मैंने पेट्रोल पे भी आवाज़ उठानी है, मैंने बिजली पे भी आवाज़ उठानी है, और मैं अपनी इस स्टोरी पर भी कायम हूँ कि नवाज़ शरीफ के रास्ते में, वतन वापसी के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो उसकी अपनी जमात का मफाहमती टोला है, इस पर भी मैं कायम हूँ। अब किसी ने धमकियाँ देनी हैं या कुछ करना है, मैं इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरता। ये आज़ादी इजहार राय, हम कौन सा एंटी स्टेट, हम कौन सा खुदा न खास, हम, मैं तो 9 मई की मजम्मत कर करके थक गया, मैंने तो कहा कि कानून के मुताबिक सजा दें, हम आवाम के लिए आवाज़ ना उठाएं। एक इदारे का, बल्कि मीडिया हाउस का एक गार्ड मिला, रोने लग गया। हमने पूछा भाई क्या मसला है, उन्होंने कहा सर 18,000 तनख्वाह है, 22,000 मेरा बिजली का बिल आया है, मेरा दिल करता है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। तसल्ली दी उसको, भाई यार कुछ करेंगे, कुछ हम भी कर देंगे इंशाल्लाह, और आपने इस तरह के नहीं सोचते, क्या करें गरीब, उसके लिए आवाज़ उठाओ, अननोन नंबर से काले आना शुरू कर, पता नहीं कौन कर रहा है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं धार रहा, लेकिन जो भी है अब आप अंदाज़ा तो करें, धमकियों से पता चल रहा है कि किस तरीके की आवाज़ ना उठाए बंदा। ये नहीं कहे कि नवाज़ शरीफ के आने के रास्ते में जो उसकी अपनी जमात का मफाहमती टोला है वही रुकावट है, उस टोले के साथ कौन कौन मिला हुआ है मुझे नहीं पता, आपको ज़्यादा पता होगा, नून लीग वालों को ज़्यादा पता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।